हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको किसी का व्हाट्सएप स्टेटस मांग के एम्बैरेसमेंट फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना होगा। व्हाट्सएप में जो स्टेटस है, जैसे कि कोई भी स्टेटस है, इमेज करनी है या ये वीडियो डाउनलोड करनी है तो हमें क्या करना है, उस इमेज को या उस वीडियो को या ऊपर जो प्रोसेसिंग बार चल रही है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें उसको प्ले करके रखना है। उससे क्या होगा कि ये हमारे फ़ोन के अंदर ये लोड हो जाएगी और ये फाइल हमें मिलेगी हमारे ही फ़ोन के अंदर, माई फाइल्स के अंदर। माई फाइल्स में हम जाएंगे, मैंने मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है इंटरनल स्टोरेज के अंदर, तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, व्हाट्सएप में मीडिया, वो फाइल अभी हिडन हो रखी है, जो भी स्टेटस की फाइल है, जो फोल्डर है वो हिडन हो रखा है, तो उसको हम सेटिंग्स में जाके उस हिडन फाइल को शो करेंगे। एंड बैक, यहाँ पे एक और नया फोल्डर बन गया है जो कि स्टेटसेस का है, और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे वो हमारी इमेज आ रखी है और वो वीडियो आ रखी है। अब हम चाहें तो इनको यहीं से स्टेटस पे यूज़ कर सकते हैं या फिर इनको हम मूव भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये जो फोल्डर है स्टेटसेस का, ये ऑटोमेटिकली फ्लश आउट होता रहता है। इसमें जो भी वीडियो होती हैं ये 24 घंटे के लिए ही इसके अंदर स्टोर रहती हैं, उसके बाद ये फोल्डर ऑटोमेटिकली फ्लश कर जाता है, जिससे कि जो वीडियोज या फिर जो भी फाइल है वो इसमें से गायब हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हम उन वीडियोज़ को क्या करेंगे, या तो कहीं पे मूव कर लेंगे या फिर उनको वहीं से ही हम स्टेटस पे लगा लेंगे। तो आपने देखा कि कितना सिंपल था, कोई स्टेटस डाउनलोड करना और उसको यूज़ करना। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। हैव फन।